Hello students, this is Dr. Anju Benival, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, Udaipur. आज हम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड्स को पढ़ रहे हैं. इससे पहला का जो वीडियो था उसमें हमने क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड्स एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च मैथड्स में डिफरेंस बताया था कि बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड्स क्या होते हैं, क्वान्टिटेटिव रिसर्च मैथड्स क्या होते हैं एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है. आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंदर ही एक अन्य मेथड को पढ़ने की कोशिश करेंगे. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि गुणात्मक अनुसंधान पद्धतियाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम गुणों का अध्ययन करते हैं, किसी भी व्यक्ति के विचारों का अध्ययन करते हैं, सोच का अध्ययन करते हैं. तो इसके अंदर गुणों को, जो गुणात्मक वैल्यू है, उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है. को पढ़ेंगे, दैट इज फोकस ग्रुप्स, केंद्रित समूह. फोकस ग्रुप्स बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो अनुसंधानकर्ता होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनसे बात करता है, उनकी सोच के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में, उनकी ओपिनियंस के बारे में, उनके बिलीव्स के बारे में, उनके एटीट्यूड्स के बारे में, जो कि किसी आइडिया को लेकर हो सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकते हैं, किसी सर्विस को लेकर हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेकर हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उससे पहले एक फोकस ग्रुप जो है उससे बात की जा सकती है, जो कि उस विषय से संबंधित होता है. उससे बात करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च किया गया तो इसकी सेलिंग कितनी होगी, कितना लोग उसको पसंद करेंगे, कितना ये प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा, कोई सर्विस है वो कितना चल पाएगी या उस सर्विस की अभी कितने रिक्वायरमेंट है. कोई एक, अगर हम एक नया कॉन्सेप्ट थ्रो करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जो है, वो अवधारणा जो है, वो कितनी चल पाएगी. जैसे कि अभी हम लोग बात करें तो कोविड-19 के दौर के अंदर हम देखते हैं कि ये बात चल रही है कि सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो घर के अंदर ही प्रोवाइड हो जाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू स्टे एट होम. हमको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पर बिताइए. तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमें घर के अंदर बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, उन प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा हुई. जैसे कि होम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बिके हैं, जो इंटरटेनमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिके हैं, चाहे वो टीवी हो या फिर म्यूजिक सिस्टम्स हो, क्योंकि ये लग रहा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति घर में रह रहा है तो उसे इन सब प्रोडक्ट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है. आइडिया की बात करते हैं तो कोई एक नया आइडिया किसी के दिमाग में आता है तो अभी जैसे यह है कि लोगों ने बिजनेस करने शुरू कर दिए, मास्क का बिजनेस करना शुरू कर दिया, सैनिटाइजर का बिजनेस करना शुरू कर दिया. जो पहले किसी दूसरे बिजनेस में थे, होटल इंडस्ट्री के अंदर थे, तो उन लोगों ने कुछ नए आइडियाज डेवलप करके अपने बिजनेस के अंदर एक नई चीज़ें जो है वो एड ऑन कर दी, जिससे कि वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर सकें, मार्केट में रह सकें. तो इस तरह से जो इंटरव्यूअर होता है वो लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से बात करता है, उनकी सोच के बारे में, उनके विचारों के बारे में ये जानने की कोशिश करता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में लाना है तो उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए. इसके अंदर बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स होते हैं, 6 से 12 तक रेस्पोंडेंट या उत्तरदाता इसके अंदर होते हैं, जो कि विद इन टारगेट मार्केट के होते हैं. जो भी हमारा टॉपिक होता है, जो रिसर्च का टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड होते हैं वो लोग, ताकि उनकी राय जो है वो हमें, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके. तो जो रेस्पोंडेंट्स की संख्या होती है वो 6 से 12 होती है, और इसके अंदर तीन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है. वाई, वॉट एंड हाउ, क्यों, क्या और कैसे, कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो क्यों मार्केट में लॉन्च होना चाहिए, अभी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और कैसे उसको हम मार्केट में उतारें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको खरीदें. ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप उसी तरीके का कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें
नया वेरिएशन जो है वो ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ उसमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ नया ऐड नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट के चलने के चांसेस कम रहते हैं। तो क्यों वो प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं और क्या उसको मार्केट में लाने से क्या बेनिफिट होगा और कैसे आप उसको मार्केट में लाएंगे, इन सवालों के जवाब जो है वह आप ग्रुप फोकस ग्रुप से जानने की कोशिश करते हैं। आजकल फोकस ग्रुप्स को हम लोग ऑनलाइन सर्वेस जो हैं वो भी भेज देते हैं और उनके रेस्पॉन्सेज जो हैं वो एक बटन के क्लिक पर हमको मिल जाते हैं। जैसे आजकल जो सर्वे हो रहे हैं ज़्यादातर ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कि हम लोग फील्ड में जाएं, लोगों से बात करें या लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे डिस्कशन करें। तो उस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर जो सर्वे होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, क्वेश्चनेयर सेंड कर दिया जाता है जो भी रिलेटेड पर्सन होते हैं उनको, और फिर उनके जवाबों को कंपाइलिंग की जाती है, फिर देखा जाता है कि ओवरऑल क्या रिजल्ट रहेगा, उसको कंपाइलिंग के बाद में देखा जाता है। बेसिकली इट्स एन एक्सपेंसिव मेथड क्योंकि बहुत सारे लोगों को 6-12 लोगों को इकट्ठा करना, उनको बुलाना, फिर उनसे बात करना, और अगर अब जैसे हम ऑनलाइन सर्वेस कराते हैं तो उनको सर्वे के लिए फॉर्म्स भेजना और फिर उनसे डेटा कलेक्ट करना, पहले भी ऑनलाइन सर्वे होता था लेकिन आजकल ये तो रिक्वायरमेंट हो गई कि ऑनलाइन सर्वे ही कराया जाता है। बेसिकली ये जो फोकस ग्रुप जो मेथड है वो मार्केट रिसर्च के काम में आता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट जो है, कोई नया कॉन्सेप्ट जो है उसकी टेस्टिंग के लिए, कि किसी भी हम नए कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं तो उसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट चलेगा या नहीं चलेगा, कोई नया प्रोडक्ट जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो उनके लिए हम लोग मार्केट रिसर्च के लिए फोकस ग्रुप जो मेथड है उसको काम में लेते हैं, और ये जो डिस्कशन होता है 60-90 मिनट्स का होता है, 1 आवर एंड 1 15 आवर्स तक का जो होता है ये डिस्कशन होता है। तो इसमें इस तरह के डिस्कशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं। आप जनरली देखते हैं कि जब भी कोई फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट जो होता है बनता है तो ये देखने के लिए कि कितनी क्वांटिटी के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा और किस तरीके से उसको लॉन्च किया जाएगा, बिकॉज लॉन्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे और वो प्रोडक्ट कौन से ग्रुप को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हम बच्चों के लिए अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार जैसे कुरकुरे या जिस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनके बीच में छोटे छोटे कुछ खिलौने डाल दिए जाते हैं, या वो एक चॉकलेट आती है उसके अंदर बीच में कुछ खिलौने डाल दिए जाते हैं, तो वो खिलौने जो डालना होता है दैट इज़ अ न्यू आइडिया और अ कॉन्सेप्ट जो कि फोकस ग्रुप के द्वारा आता है कि अगर किसी इस तरह का प्रोडक्ट के साथ में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें डाल दी जाएँ, चाहे वो टैटूज़ हों, चाहे वो छोटे खिलौने हों, वो डाल देने से बच्चों का अट्रैक्शन वो खाने वाला आइटम नहीं होता, उस आइटम के अंदर मिलने वाले जो चीज़ें होती वो अट्रैक्शन हो जाती है, तो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को ख़रीदने की डिमांड करते हैं। तो दिस इज़ लाइक समथिंग कि हम फोकस ग्रुप से मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उस प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में उतारा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो, या कोई भी नया आइडिया जो है वो किस तरीके से जनरेट किया जाए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करें। तो इस तरह की कोई भी सर्विस अगर हम दे रहे हैं तो वो सर्विसेज किस तरीके से दी जाएँ कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। जैसे आजकल इंटरनेट सर्विसेज का ज़माना है तो बहुत सारी नेट सर्विसेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टीचिंग का दौर है तो उसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि हर प्लेटफॉर्म हमें क्या चीज़ अवेलेबल करा रहा है, तो ये इसके अंदर भी कॉम्पिटिशन रहता है। तो उसमें ये कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हर प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है उसमें ऐड ऑन करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। तो दिस इज़ समथिंग लाइक कि हम उन लोगों का ये ग्रुप होता है जो कि उस विषय से संबंधित जानकारी रखते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो हम ऐसे ग्रुप के साथ में बैठकर इंटरव्यूअर जो होता है बात करता है, उनके व्यूज़ को जानने की कोशिश करता है, उनके विचारों को जानने की कोशिश करता है और उसके बेस पे रिजल्ट निकालता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड विच वी यूज फॉर लाइक कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आर सब्जेक्ट।
दिस इज देन पिक्चर ऑफ फोकस ग्रुप. ये फोकस ग्रुप का एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ 6 से 12 लोग बैठे हुए हैं और उनसे इंटरव्यूअर जो है वो बात कर रहा है. तो एक किसी भी विषय के ऊपर बातचीत की जा रही है और उनके विचारों को जानने का प्रयास किया जा रहा है. द अदर मेथड इज एथनोग्राफिक रिसर्च. एथनोग्राफिक रिसर्च नरवंश विज्ञान अनुसंधान. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड विच वी यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मेथड को काम में लेते हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि पहले जैसे सोशियोलॉजिस्ट को आर्मचेयर स्कॉलर्स कहा जाता था कि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो बुक्स में लिखा हुआ या कहीं पर भी कुछ भी जो उस विषय से संबंधित लिखा हुआ होता है उसके आधार पर अपने विचारों को रखते थे. लेकिन जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने फील्ड जो वर्क था वो करना शुरू किया और फील्ड वर्क के अंदर वो लोग बेसिकली उस फील्ड में जाते थे, उस क्षेत्र विशेष में जाते थे और उस क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ में रहकर और वहाँ का अध्ययन करते थे और जानकारी प्राप्त करते थे, सूचनाएं इकट्ठा करते थे. तो दिस इज समथिंग इन डेप्थ ऑब्जर्वेशनल मेथड है. इसके अंदर व्यक्ति जो है बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है और लोगों का उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस नेचुरल इन्वायरमेंट में ही स्टडी करता है. वो उन लोगों के बीच में जाकर रहता है, उनका हिस्सा बनता है और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करता है. यद्यपि हम ये मानकर चलते हैं कि ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जब वो डाटा कलेक्ट करने के लिए जाता है रिसर्चर तो जो भौगोलिक जो बाधाएं हैं वो होती हैं क्योंकि ये बहुत जो इंटीरियर जो प्लेसेस होती हैं या जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी स्टडी ज़्यादा की जाती है या इंटीरियर जो गांव होते हैं उनकी स्टडी ज़्यादा की जाती है. तो उस कंडीशन के अंदर जो कि बहुत दूर दूर बसी हुई गांव होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में नहीं होते हैं, तो वहाँ पर पहुँचना इज़ अ बिग डील. वो बहुत बड़ा टास्क होता है और वहाँ पर पहुँचकर उन लोगों से बात करना, डाटा कलेक्ट करना और एक अलग से एनवायरनमेंट में रहना, उस एनवायरनमेंट में जो कि शायद उस एनवायरनमेंट में आप पहले कभी ना रहे हो, उनके लैंग्वेज एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट होता है, ज्योग्राफिकल जो होता है वो एक ज्योग्राफिकल जो प्लेटफॉर्म था वो एक बड़ा कॉन्स्टेंट होता है. इसके अंदर बेसिकली इसका एम जो होता है वो उन लोगों की संस्कृति को समझना होता है, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको समझना होता है, उनके मोटिवेशंस को समझना होता है और जिस सेटिंग के अंदर वो रह रहे होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं उसको समझना होता है. और वहाँ पर वो कुछ दिनों तक रह सकते हैं और ये कुछ सालों तक भी रहकर अध्ययन कर सकते हैं. जनरली जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, मानव शास्त्री होते हैं, वो कई महीनों तक, 6-7 महीनों तक या 1-2 साल तक उन लोगों के बीच में रहते हैं और फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, उनके चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली इसका चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड. चैलेंजिंग इन द सेंस इज कि आप किसी भी अननोन ग्रुप में जा रहे हैं, आप उनकी कल्चर को नहीं जानते, आप उनकी लैंग्वेज इज अ बिग हर्डल और उनकी भाषा जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल होता है आपके लिए. और वहाँ पर जाकर उन लोगों के बीच में अपनी स्थान बनाना, अपनी पहचान बनाना और उसके बाद में उन लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस को बनाना और उसके बाद आप उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से अजनबी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. आज हम और आपकी बात करें तो कोई भी अजनबी अगर आकर हमसे बात करेगा, हमसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे या हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनिशियली नहीं करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि जो अनुसंधान करता होता है उसके लिए एक चैलेंज होता है कि वो कैसे उस ग्रुप के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस को बनाए. तो उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, रैपो बिल्डिंग. इसके अंदर अनुसंधान करता पहले उस ग्रुप में जाता है, उन लोगों से मिलता है, जाते ही वो इस तरह की बातें करना नहीं शुरू कर देता कि मैं यहाँ इस मोटो से आया हूँ और मुझे आप लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मुझे आप लोगों के बारे में जानना है, आपकी कल्चर को समझना है, इस तरह की बात नहीं करता है. पहले वो अपनी रैपो बिल्ड करता है, इधर उधर की बातें करता है, अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बींग शो करता है और समथिंग लाइक उनके जो
भरोसा होता है, उस भरोसे को जीतने की कोशिश करता है। जब वहाँ के लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, तब वो जाकर उस ग्रुप के अंदर एक्सेप्टेंस उसको मिलती है, और तब वो जाकर धीरे धीरे उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर एंट्री लेता है, धीरे धीरे उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो उनके हिस्सा बनकर उनके चैलेंजेस को फेस करता है, और एक लंबे टाइम तक उन लोगों के बीच में रहकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो आई हैव रिटन हियर कि सोलली डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द रिसर्चर, यानी कि कोई भी अनुसंधानकर्ता कितना एक्सपर्ट है इस चीज के अंदर कि वो किस तरीके से अपनी जगह बनाता है वहाँ, उन लोगों के बीच में अपना भरोसा जीतता है और उसके बाद डेटा कलेक्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर के एक्सपर्टाइज पे कि टू एक्सप्लोर, ऑब्जर्व एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा, कि किस तरह से वो उन लोगों के बीच में अपनी जगह बनाएगा, किस तरीके से वो अवलोकन करेगा और किस तरीके से अपनी डेटा से कंक्लूजन निकालेगा, ये सोलली डिपेंड करता है रिसर्चर की एक्सपर्टाइज पे। तो कोई भी अनुसंधानकर्ता को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर अनुभवी होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के भरोसे को कैसे जीतना है, कैसे उसके ग्रुप के अंदर अपनी जगह बनानी है, उसका हिस्सा बनना है, और फिर उसके बाद उनके साथ रहकर, उनके बीच रहकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो अपने विषय से ना भटके। जिस विषय को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर वो रिसर्च करने के लिए गया है, उस टॉपिक से वो ना भटके और उससे रिलेटेड जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी कलेक्ट करे। तो ये जो मेथड होता है बेसिकली चैलेंजिंग होता है और इसमें समय भी बहुत लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 6 महीने भी, 7 महीने भी, साल, 2 साल, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है इसके अंदर। लेकिन ये जो रिसर्च से जो डेटा कलेक्ट होता है वो रियल डेटा होता है, क्योंकि आप उस ग्रुप का हिस्सा बनकर उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको ना केवल ऑब्जर्वेशन के द्वारा बल्कि उन लोगों से वन ऑन वन जो है फेस टू फेस जानकारी प्राप्त करके भरते हैं। तो आप इसके अधिक से अधिक उनके बारे में रियल जो जानकारी है उसको प्राप्त इसके द्वारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, एमन श्रीनिवास ने एक बुक लिखी थी द रिमेम्बर्ड विलेज। तो चूंकि एमन श्रीनिवास जो है वो रामपुरा विलेज के अध्ययन किया था उन्होंने, और रामपुरा विलेज के अंदर वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहे और उन्होंने वहाँ पर जो जाति संबंधी, विभिन्न जातियों के बीच में जो आपसी संबंध थे, नातेदारी, इन सब के ऊपर काम किया था। और इन्होंने इस किताब का नाम रिमेम्बर्ड विलेज इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी वहाँ से अध्ययन करके अपनी पांडुलिपियाँ तैयार की थी वो जल गई थी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी मेमोरी के बेस पर उस गांव के बारे में अपने व्यूज को लिखा था, क्योंकि वो उस गांव में रहे थे और वहां गांव के लोगों के बीच में रहकर उन्होंने अध्ययन किया था। तो वो सब कुछ जो उन्होंने लिखा वो नहीं रहा, तो उसके बाद उन्होंने अपनी मेमोरी के बेस पर उस गांव का सारा जो डिटेल था वो इस किताब के अंदर लिखा था, द रिमेम्बर्ड विलेज। एक जो ब्रिंडोस्लो मेलिनस्की जो है, ब्रिंडोस्लो मेलिनस्की ने ट्रोबियंड द्वीपवासी जो थे उनका अध्ययन किया था, तो ये इन्होंने ट्रोबियंड समूह में क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर मेलिनस्की ने ये दर्शाया था कि किस प्रकार से संस्कृति का दोनों पक्ष, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष जो हैं, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धर्म, भाषा, मनोरंजन न केवल आवश्यकता से जुड़े हुए हैं बल्कि वे परस्पर गुथे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ऑर्गेनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इनकी जो किताब थी ऑर्गेनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, इस किताब में उन्होंने बताया था कि ट्रोबियंड द्वीपवासी जो थे उनके एक विशिष्ट प्रकार के कार्यकलाप जो थे उसके संबंध में लिखी थी, जिन्हें वो लोग कुला कहते थे। कुला क्या था कि बेसिकली कुछ पड़ोसी द्वीपों के निवासियों के साथ मिलकर वे लोग कुछ चीज़ों का विनिमय इस प्रकार से एक संघ बनाकर करते थे। विनिमय की चीज़ों के अंदर लाल मोतियों के हार और सफ़ेद मोतियों के कंगन होते थे। आप ये ध्यान रखिएगा, कुला जो है वो एक प्रथा थी जिसमें लाल मोतियों के हार और सफ़ेद मोतियों के कंगन थे। इसमें ये जो लाल मोतियों के हार और सफ़ेद मोतियों के कंगन जो थे
तो हार जो थे वो समुदाय में एक सिरे से घूमते हुए सभी दीपों का चक्कर लगाते थे, और कंगन जो थे वो ठीक विपरीत दिशा में दूसरे सिरे से चालू किए जाते थे। इन पदार्थों का कोई व्यापारिक मूल्य नहीं था, केवल एक कर्म कांड संबंधी एवं मर्यादा संबंधी मूल्यों से था। मर्यादा इस बात में रहती थी कि विशेष रूप से सम्मानित वस्तुओं को प्राप्त करने, रखने और फिर उन्हें आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति की ख्याति बढ़ती थी। ये माना जाता था कि जिसके पास भी ये कंगन और हार होते थे वो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड पर्सन माना जाता था सोसाइटी के अंदर, और इस संबंध में किसी भी प्रकार की सौदेबाजी नहीं की जा सकती थी। यद्यपि कर्मकांड मूलक पूरा हो जाने के बाद सामान्य व्यापारिक सौदेबाजी भोजन अथवा व्यापारिक उपयोग में आने वाली चीज़ों के संबंध में होती थी। एक तरह से ये कर्मकांड पूरा हो जाता था, उससे क्या होता था, लोगों का आपस में मिलना होता था, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते थे और उसके बाद अपनी व्यापारिक गतिविधियां उनके साथ में संचालित करते थे। लेकिन कुला जो था वो शुद्ध रूप से केवल कर्म कांड मूलक विनिमय की पद्धति था, जिसमें कि गले के हार और कंगन द्वीपवासी समुदायों में निरंतर चक्राकार घूमते रहते थे। इन विनिमयों को पूरा करने के लिए गांव के मुखिया और पड़ोसी गांव के गुट मिलकर व्यापारिक अभियानों का संगठन बनाते थे, और इसका अर्थ ये हुआ कि लोग जो है नाव तैयार करते थे, फिर उसके बाद में इस तरह से व्यापार करने के लिए जाते थे, और ये माला और कंगन से लोगों में आपस में संबंध स्थापित होते थे जो कि व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फील्ड स्टडी होती है, फील्ड स्टडी से ना केवल हमको कल्चर का पता चलता है बल्कि उस कल्चर के पीछे छिपे हुए जो दूसरे मूल्य हैं उनका भी पता चलता है।